तो मालूम नहीं पड़ेगा कि रिकॉर्डेड है या लाइव क्लास है। देखो अब ठीक है रिधि? यस सर। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज ऑनलाइन वालों से, फिर से रिधि बीच में अभी क्वेश्चन नहीं पूछना, पूरा टॉपिक के बाद पूछना, ठीक है? टॉपिक वो रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना इसलिए। ठीक, फिर से देखो, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? अरेंजमेंट है रेजिस्टेंसेस का, जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस अगर अननोन है और बाकी रेजिस्टेंसेस अगर हमें मालूम है तो हम उस अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड नल मेथड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें एरर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और ये काफी एक्यूरेट रिजल्ट देता है। इसका प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किरचॉफ लॉ। इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने चार रेजिस्टेंसेस ली, पी क्यू आर और एस, और बीच में क्या लिया, एक गैल्वेनोमीटर। मान लो यहां से आई करंट आया बैटरी से, आई करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया आई वन एंड आई माइनस आई वन, तो आई वन जो आया उसमें से कुछ करंट आई टू इसमें चला गया और बचा कितना, आई वन माइनस आई टू इसमें चला गया। आई टू करंट यहां से आया, आई माइनस आई वन करंट यहां से आया, दोनों मिलके आई माइनस आई वन प्लस आई टू, यहां से जो करंट है और यहां से जो करंट है ऐड करोगे तो वापस करंट आएगा। हमारी करंट डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही है क्योंकि आई करंट गया था, आई करंट ही बीच में वापस आ गया। राइट, क्लियर है? फिर हमने इसमें किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाना है। हमने दो लूप्स लेनी है, लूप वन और लूप टू। जो लूप नंबर वन है इसमें देखो किरचॉफ सेकेंड लॉ कैसे लगेगा, करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस आई वन इंटू पी, करंट की डायरेक्शन में आते हैं तो माइनस आई टू इंटू जी, फिर करंट के ऑपोजिट आ रहे हैं तो प्लस आर इंटू आई माइनस आई वन इज इक्वल टू क्या, जीरो। इसके अंदर आई माइनस आई वन वाली टर्म इधर, माइनस वाली टर्म राइट पे, तो इक्वेशन नंबर क्या है, वन। राइट, इसके बाद लूप नंबर टू लेनी है। लूप नंबर टू में आप ऐसा कर सकते हैं कि यहां से शुरू करते हैं, माइनस क्यू इंटू आई वन माइनस आई टू, यहां पर जब आएंगे प्लस एस इंटू दिस करंट, और जब करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं तो प्लस आई टू इंटू जी। तो आप चेक करें, मैंने किरचॉफ का सेकेंड लॉ फर्स्ट लूप में लगाया तो ये आया, सेकेंड में लगाया तो ये आया, माइनस वाली टर्म राइट पे चले गई तो इक्वेशन नंबर टू आ गई। तो दो लूप्स लगाई, इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू। अब इसके अंदर पी क्यू और आर हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि बी का और डी का पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो बी और डी का अगर पोटेंशियल सेम आ जाए, क्यों, जब हम रेजिस्टेंसेस को चेंज करेंगे पी क्यू आर तो करंट चेंज होंगे पूरे सर्किट में, और हम चाहते हैं कि करंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो कि बी का और डी का पोटेंशियल सेम हो जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाती है, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर रीडिंग जीरो। अब कैसे होगा वो हिट एंड ट्रायल है, आपको इसमें पी क्यू आर लगातार चेंज करते रहने, कभी ना कभी तो ऐसा पॉइंट आएगा जब बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हो जाएगी। ऐसे केस में बोला जाता है कि ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो ये ब्रिज एक बैलेंस स्टेट में चला गया। तो जब ये बैलेंस्ड हो गया तो आई टू की वैल्यू क्या आ गई इसमें, जीरो। तो आप अपनी वो दो इक्वेशंस फिर से लिखें, इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू। इन इक्वेशन में जहां जहां आपको आई टू दिख रहा है वहां वहां क्या पुट कर दिया मैंने, जीरो। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में आई टू वाली टर्म उड़ गई तो ये बच गया इक्वेशन नंबर थ्री, और सेकेंड में मेरे पास ये इक्वेशन बन गई फोर। अगर मैंने डिवाइड कर लूं तो करंट भी कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास क्या आ जाएगा, आर बाई एस इज इक्वल टू पी बाई क्यू। इसमें एस एक अननोन रेजिस्टेंस है और ये वैल्यू आपके पास अननोन रेजिस्टेंस की आ जाएगी। आपके अगर एग्जाम में आया कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में लिखना है, आपने ऐसे ही लिखना है, क्या है एक व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसका मैथमेटिकल पोर्शन बैलेंस करना है, और फिर अननोन रेजिस्टेंस है। इसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर ये आपको जो है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरीके से देगा। ठीक, अब बोलो कहां पे, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, अब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक खत्म हो गया ना, बोलो बोलो कहां पे, लूप टू में क्या करना है, ये या अच्छा इक्वेशन में मैंने मैं ऐसे आया हूँ, हाँ प्लस आई टू जी, हाँ ठीक है, यहाँ प्लस आई टू जी आएगा, यहाँ पर प्लस आई टू जी आएगा,
प्लस आई टू जी आएगा। अच्छा, फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि आई टू अल्टीमेटली क्या हो गया, जीरो, इसलिए फर्क नहीं पड़ा। वैसे हाँ लॉजिकली फिर करंट के ऑपोजिट आ रहा हूं तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो क्लियर है ऑनलाइन वालों को, क्लियर है बीच फ्रॉम बीच? रिधि क्लियर है, आवाज आ रही है अब? यस सर। ठीक है, बाकियों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है,